अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। आप लोग कैसे हैं? मैं बिल्कुल फिट फाट हूँ। तो आज का सीन कुछ ये है, क्योंकि आप लोग अगर मेरा कल का व्लॉग देखा होगा तो कल हमने रात के 12 बजे केक काट लिया है अपनी नीज़ का। लेकिन आज हम लोग खाने वगैरह बना रहे हैं, मज़े मज़े की डिशेज। चिकन हांडी बन रही है, काले छोले बन रहे हैं मज़ेदार, और जो है चिकन लज़ानिया बन रहा है। तो उसके मोमेंट शेयर करते रहेंगे। वीडियो को एंड तक देखना बिल्कुल नहीं भूलना है, मेरी साथ साथ रहना है। ओके, और मैं बनाने जा रही हूँ छोले काले वाले। मैंने पहले तेल लिया था, उसके बाद मैंने ज़ीरा और जो है कड़ी पत्ता लिया था। तेल में उसका फ्लेवर आने के बाद मैंने इसमें टमाटर डाल दिए थे और इमली का जो है पल्प निकाल के वो अच्छे से मैंने अभी चला लेना है। हल्का सा जो है इसका पानी खुश करना है, फिर जो है हरा मसाला डाल देना है। पानी बहुत ज़्यादा खुश नहीं करना है, छोले डाल देना ताकि थोड़ा जूसी सा फ्लेवर रहे। इससे ही होगा जूसी से छोले रहेंगे। अब इसी में थोड़ा सा छोले को साथ में ग्रेवी को जो है हमने अच्छे से मिक्स करना है। जो थोड़ा सा पानी खुश होगा वो इसी के साथ हो जाएगा, और अब हमने गरम हरा मसाला डाल देना है। अब हम असेंबलिंग करने जा रहे हैं चिकन लसानिया की। उसके लिए जो हमने जो ट्रे ली है, जो बेकिंग ट्रे है जो हम ओवन में रखेंगे, उसमें हमने अच्छे से जो है बटर अच्छी तरीके से चारों तरफ लगा लिया है। उसके बाद हमने लसानिया शीट्स रख ली हैं, और उसके ऊपर जो है हमने जो कीमा बनता है वो एज पर चॉइस होता है कि आप बोटियों का बनाएँ या जो है रेड सॉस जो होता है उसका, टमाटर प्यूरी वाला, या तो कीमे का बना सकते हैं और बीफ और चिकन, ये भी आपके ऊपर डिपेंड करता है। और एक बनता है वाइट सॉस बनता है, उसकी अलग टॉपिंग होती है। लेकिन हमने क्या किया, क्योंकि रेड सॉस डालते हैं फिर उसके बाद वाइट सॉस डाल देते हैं तो वो एक ही बात होती है, वो ऑलरेडी मिक्स हो जाते हैं। तो हमने उसको एक साथ ही अच्छे से मिक्स कर लिया ताकि डबल डबल करना करना पड़े, जल्दी जल्दी सारा काम भी हो जाए, क्योंकि गैस भी जाने वाली थी। तो बहरहाल तो हमने वो जो सॉस था वो हम लोगों ने लगा लिया। उसके ऊपर हमने स्प्रिंकल्स करनी है एज़ पर चॉइस, आप अगर कुछ भी लगाना चाहें। जैसे हमने लगाई हैं शिमला मिर्ची स्प्रिंकल्स की हैं और गाजर स्प्रिंकल्स की हैं। ऑब्वियसली चीज़ हर लेयर पे मस्ट होती है, तो चीज़ ज़रूर लगाइएगा। ये मैंने हल्का सा स्लोमो शॉट लेने की कोशिश की थी जो कि मुझे नाकाम सी लग रही है। बहरहाल बहुत मज़ेदार, बहुत बहुत मज़ेदार चीज़ी, फुल ऑफ चीज़ी, फुल ऑफ सॉसी लज़ानिया बना था। अगर आप लोग इसको फुल अगर आपको रेसिपी चाहिए तो मुझे ज़रूर कमेंट में बताइएगा, मैं आपको इसकी रेसिपी डिटेल में भी शेयर कर दूँगी। और इसमें जो गाजर का और शिमला मिर्चों का फ्लेवर आता है ना अलॉन्ग विद मशरूम्स, तो लव्स है एंड ऑलिव्स, बहुत बहुत मज़ा आता है। एंड यस, एंड में स्प्रिंकल करना है हमें इसमें ऑरिगैनो एंड थाइम। थाइम ऑप्शनल है लेकिन ऑरिगैनो ज़रूर स्प्रिंकल करिएगा, और रेड चिली फ्लेक्स भी इसके अंदर बहुत अच्छा टेस्ट देते हैं अगर आप इस पर स्प्रिंकल करेंगे। ये हमारा लसानिया बिल्कुल रेडी है, बहुत ज़्यादा यम्मी सा। और ये छोले, वाओ, और ये मज़ेदार सी पनीर रेशमी हांडी, हांडी के अंदर ही तैयार है, जिस पे टॉपिंग हुई है चेडर चीज़ और मक्खन और क्रीम की। वाओ, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह। ये हमारी उरूज द स्वीट हार्ट ने बनाया है, ये मैंने बनाया है, और ये चीना ने बनाया है। सो गाइज, आज का व्लॉग हम एंड करते हैं एक बहुत अच्छे टॉक ऑफ द डे के साथ, और वो ये है कि जब भी किसी से भी मुलाकात हो, किसी से भी मिलना हो, किसी से भी आपका इन टच में हो, आप कभी भी मिलें या आपके डेली में बेसिस पे किसी से मिलना हो, कोशिश करें कि कभी भी जो है अपनी ज़बान से कोई ऐसी बात ना निकालें कि जो किसी को हर्ट कर जाए
या उसके आंखों में आंसुओं का सबब बने, इसलिए क्योंकि आप तो हो सकता है आप उस वक्त स्ट्रेस में हों, आप उस वक्त बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में हों, या आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा हो और आपके मुंह से कोई ऐसी बात निकल जाए उस वक्त, लेकिन उस बंदे को हो सकता है वो बात नहीं पता कि आप उस वक्त कितने स्ट्रेस में हैं या कितने डिप्रेशन में हैं या कितने एंग्री हैं, लेकिन उसको वो बात ज़रूर दिल पे लग जाएगी जो आपने उसको कह दी होगी, और उसका दिल टूट जाएगा या वो रो जाएगा उस बात पे। तो कोशिश करा करें कि अपने गुस्से को किसी तरह काबू कर लें जब गुस्सा आए, दुरूद शरीफ पढ़ लें, इसलिए क्योंकि हम बात तो बोल जाते हैं लेकिन वो किस कदर अंदर से इंसान को तोड़ देती है हम उसका अंदाज़ा नहीं लगा सकते, क्योंकि ये अंदाज़ा तभी हो सकता है जब हम पे खुद गुजरे वो बात। क्योंकि दिल टूटना, किसी का दिल तोड़ना जो है गुनाह है कबीरा है, और हमें जितना हो सके इस गुनाह से दूर रहना चाहिए, इसलिए क्योंकि दिल तोड़ना खाने काबा यानी खुदा के घर तोड़ने के बराबर गुनाह रखता है। तो बस कोशिश करें सिर्फ जब भी ज़बान से निकले अच्छा ही निकले, और अगर गुस्सा आए तो कंट्रोल करें, पानी पी लें, खड़े होते बैठ जाएं, बैठे हों तो खड़े हो जाएं, या दुरूद शरीफ पढ़ लें। दुरूद शरीफ जब भी इंसान पढ़ता है तो ज़रूर गुस्सा ठंडा हो जाता है, ये एक आजमाई हुई बात है। तो बस अगर मेरी बात अच्छी लगे तो मुझे बताइएगा, मैं ऐसी मज़ीद बातें आपसे शेयर करती रहूँगी, कमेंट कर दीजिएगा। बाकी मेरी वीडियो को लाइक करना, और अगर तक सब्सक्राइब नहीं किया तो करना नहीं भूलिएगा। और बाकी बस मोहब्बतें बांटते रहें, और मोहब्बतें बांटेंगे तो मोहब्बतें मिलती रहेंगी। दुआ में याद रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और वीडियो को एंड तक देखने का बहुत शुक्रिया। बाय बाय।